अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर होंगे। अल्लाह करम आप से आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और जो आज की वीडियो व्लॉग नहीं है, इसमें हम आपको छोटा सा रिव्यू देंगे जो कि मोबाइल के बारे में है। मोबाइल का आपको पता है कि कल न्यू लिया था, और जिसकी वजह से एक दो दिन यार वीडियो लेट है, क्योंकि यहाँ पे नेट का इशू गाँव में है और मैं गाँव में आ गया था, अभी सो के उठा, इसलिए मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी है। बाकी आपने इग्नोर माना इस बात को। और ये मोबाइल है जी iPhone X, ठीक है, iPhone X है। और ये है जी 256 GB मेरे ख्याल से, और बाकी फेस ID डिसेबल है। तो मैंने कहा जब चलाना है, यूज़ करना है, तो स्टार्ट इसी से करते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको इसका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो भी देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप। इसका रिज़ल्ट जो है बिल्कुल मक्खन टाइप है। और दूसरे नंबर पे इसका जो ये जो पोर्ट्रेट आ जाता है ना, पोर्ट्रेट के बाद इसमें फ़िल्टर आ जाता है विविड का, उसके बाद ये पिक को ना 4 चांद लगा देता है, और यकीन माने बहुत मज़ेदार बन जाता है। ये देखें आप, इससे भी ज़्यादा हरियाली होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कितनी इमेज जो है इसकी, जो पिक होती है इसकी क्वालिटी कैसी रहती है, और धूप में ये जो इमेज है इसे सही तरीके से एडजस्ट कर पाता है या नहीं। अगर फेस पे पड़ रही हो धूप तो उसको सही तरीके से रोक पाएगा, एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अच्छा, अभी आपको 2-3 पिक दिखाऊँगा पोर्ट्रेट मोड की लेके फोकस पे, तो उसके बाद आपके दिखाऊँगा कि इसकी जो पिक्स वगैरह है वो कैसी आती है और कैसी रहती है, ठीक है। इस मोबाइल तुम तस्वीर लाओ, चलो। अरे फिलहाल बात की जाए तो ग्रीनरी की, तो माशाल्लाह से यहाँ पे एकदम बहुत बढ़िया और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जब इस पर क्लिक किया और इसका जो फोकस है सामने वाली टहनी पे पड़ रहा है, तो बाकी सारा इसने ब्लर कर दिया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इस तरफ, आपको दिखाते हैं कि धूप का कैसा होता जी। अभी आप देख सकते हैं कि खुद आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से एडजस्ट रोशनी जो सामने से लाइट्स पड़ रही हैं उनको एडजस्ट कर सकता है या नहीं। अभी मैं अपने भाई को दोबारा बुलाता हूँ, वो खड़े हैं, तो वो मेरी पिक बनाएगा जिससे मेरे फेस पे जो लाइटें हैं पड़ने वाली वो इसी से पता चलेगी, आईफोन से ही चेक करें। अच्छा, अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरे फेस पे बिल्कुल रोशनी पड़ रही है, और आपको पता चल रहा होगा कि जो रोशनी पड़ रही है किस तरीके से ये उसको एडजस्टमेंट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं तो वीडियो भी यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, बाकी एडिटिंग के वक्त ही मैं देखूँगा। तो ये वाला सीन ये पेन करते, बाकी मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि किसी अगर किसी को चीज़ को जूम करते हैं, जूम करने का जो हिसाब किताब होता है वो कैसे रहता है। और वीडियो बनाते बनाते ये देख सकते हैं आप कितना रश डल गया यहाँ पे। अच्छा जी, बात की जाए इस तरीके से ये रोशनी पड़ रही है, और अचानक से ही मैं यहाँ से क्लिक किए बगैर मैं आपको ये फूल की दिखा रहा हूँ वीडियो बना के, ठीक है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मोमेंट चल रही है, और पीछे से सारा ब्लर हो गया, जबकि ये जो फूल है जस्ट वो ही ठीक तरीके से। अभी मैं इस पर क्लिक करने लगा फोकस के लिए, मैंने फोकस के लिए क्लिक कर दिया, और बैकग्राउंड जो इसका है काफ़ी हद तक ब्लर हो गया है, और इसकी जो लुक है माशाल्लाह से बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीनरी है, और जिस तरीके से मतलब कैमरा पड़ रहा है मेरा चेहरा ब्लर हो रहा है, या फिर ये मेरा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा होगा, तकरीबन बहुत प्यारा लुक इसकी आनी चाहिए। अगर ये ब्लर होता है तो इस हिसाब से भी बहुत प्यारा होना चाहिए, क्योंकि जब एक बार ये चीज़ ब्लर हो जाती है तो काफ़ी शाइनिंग, काफ़ी VIP और ख़ूबसूरत बैकग्राउंड आना शुरू हो जाता है। मैंने आपको जैसे फूल का दिखाया, वैसे अभी मैं खुद खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो ये ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो अभी भी आपको मेरे ख्याल से ये ब्लर होना बंद हो जाएगा और ग्रीनरी ही नज़र आएगी।
अच लग गया कि ये हो क्या रहा है यहाँ। अच्छा जी, मेरे हिसाब किताब से इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है और मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ, बाकी आपको बेहतर पता होगा आईफोन एक्स का रिज़ल्ट कैसा होता है और इसकी बैटरी लाइफ जो है वो भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मुझे तो 74 मिला है। और बाकी इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे इसे, लेकिन थोड़ा यूज़ करने के बाद जब इसको चलाने का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपग्रेड करेंगे, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस के साथ ये रहा है कि इसका ये मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे पसंद भी आया काफ़ी हद तक, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, आप छोटी सी वीडियो है तो वीडियो को एंड कर दें, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अपने अपने पैर को ख्याल रखिए, भाई को जय चाहिए, अल्लाह हाफिज़। Do you see?